हेलो एवरीवन वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस दिस इज अंकिता सोद एंड स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है इसके पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के लिए रिसर्च मैथडोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सो इन क्वेश्चन की हेल्प से आज आप लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एंड इधर हर एक ऑप्शन को मैं डिटेल में रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाने वाली हूँ तो so, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड इसके साथ ही इन क्वेश्चंस के एंड में मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर इस पूरी वीडियो लेक्चर पर ही बेस्ड होगा सो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट करके जरूर उसका आंसर बताइएगा ठीक है सो कानपुर यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो कि सेकेंड मे को होने वाला था अब उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है एंड ये एग्जाम थर्टीन मे को होने वाला है अभी भी आप लोगों के पास लगभग आठ से नौ दिन बाकी हैं सो अगर आप लोगों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप हमारी इस कंप्लीट रिसर्च मैथडोलॉजी की लिस्ट को जो है फॉलो कर सकते हो हम आपको गारंटी देते हैं कि इन लेक्चर्स के बाद आप लोग बहुत ईजिल बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो कानपुर यूनिवर्सिटी के पी एंट्रेंस एग्ज़ाम में तो so, इसी के साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग पी करना चाहते हो तो आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम ज़रूर देना होता है एंड हर एक यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर पैटर्न को दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है पेपर वन एंड पेपर टू सो पेपर टू आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर वन होता है कॉमन पेपर इसमें रिसर्च मेथडोलॉजी से फिफ्टी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड पासिंग मार्क्स भी फिफ्टी परसेंट चाहिए इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग रिसर्च मैथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोग किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पी प्रोग्राम में ईजीली एडमिशन ले सकते हो सो so, इसी तरह की वीडियो लेक्चर सीरीज को आप लोग पूरी तरह से देखिएगा एक भी क्वेश्चन में मत कीजिएगा हम आपको गारंटी देते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो सो रिसर्च मैथडोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फुल सिलेबस नोट्स ये नोट्स अपडेटेड नोट्स हैं इसमें हर एक चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डायग्राम्स एंड स्ट्रक्चर्स की हेल्प से प्रेजेंट किया गया है इसके साथ ही हम आपको देते हैं टेन फुल सिलेबस मॉक टेस्ट यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी पे सेपरेट मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यू सीरीज़ जिसमें हम आपको देते हैं वन थाउजेंड प्लस एम सी क्यूज इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके पी एच डी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बल्कि आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे सो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रिपीटेड टाइप के क्वेश्चन को कवर किया गया है एंड मैं आप लोगों को बता दूं कि किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो पी एच डी एंट्रेंस एग्जाम की तो ये सेम कंटेंट आप लोगों का हेल्प करेगा ठीक है सो इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ फ़ाइव डबल नाइन तो स्टूडेंट सिर्फ फाइव डबल नाइन पे करके आप लोग अपना ड्रीम पूरा कर सकते हो आप लोग बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ रिसर्च विच अलाउ द बेटर कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड्स डायरेक्शन इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ मोर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च इज टर्म्ड एज ठीक है तो यहाँ पे पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि वो कौन से टाइप का अनुसंधान है वो कौन से टाइप का रिसर्च है जहां पे रिसर्चर को अलाउ किया जाता है जो रिसर्चर को अलाउ करता है टू गेन अ बेटर कॉन्सेप्ट ठीक है एंड वो प्रोवाइड कराता है डायरेक्शन इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ मोर स्ट्रक्चर्ड रिसर्च ठीक है कुछ ऐसे डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि जो हमारी रिसर्च है वो और भी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड हो जाए यानी कि अधिक अधिक संरचित अनुसंधान वो बन जाए ठीक तो है तो बेसिक क्वेश्चन है डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी गई है पहला ऑप्शन है फंडामेंटल रिसर्च अप्लाइड रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड कंक्लूसिव रिसर्च तो अभी तक हम लोगों ने इतने ज़्यादा एम सी क्यू सीरीज़ और थ्योरी लेक्चर्स कर लिए हैं अगर आप लोग रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोग बहुत ईजीली इसका आंसर दे सकते हो ठीक है सो तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट करके इससे पहले ही बता सकते हो कि आपने फाइव में से कितना स्कोर किया है ठीक है तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को देखेंगे सो so, इधर फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है फंडामेंटल रिसर्च होता है बेसिक रिसर्च ठीक है इसको हम लोग बेसिक रिसर्च भी बोलते हैं एंड इसको प्योर रिसर्च भी बोला जाता है सो so, इसमें क्या होता है हम लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे नॉलेज को कलेक्ट कर लेते हैं ठीक है लेकिन उसका यूज़ कहीं भी नहीं करते इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ जैसे मान लीजिए मैं गूगल पे सर्च कर रही हूँ कि ह्यूमन बॉडी में कितने ऑर्गन्स होते हैं किसी टाइगर में कितने ऑर्गन्स होते हैं ठीक है किस तरह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर काम करता है ये सब चीज़ें हमने जानकारी कर ली ठीक है टाइगर से रिलेटेड हमने जानकारी कलेक्ट कर ली इससे क्या हुआ हमारा नॉलेज थोड़ा इंक्रीज़ हो गया लेकिन उस चीज़ को हमने कहीं भी यूज़ नहीं किया ना मैं मेडिकल फील्ड से हूँ ना मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो ये चीज़ें मेरे किसी भी काम की नहीं है बस हमें क्यूरियोसिटी हो रही थी जानने की तो हमने इस चीज़ के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर लिया दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल रिसर्च ठीक है दूसरा होता है अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है कि फंडामेंटल रिसर्च में हमने जो भी नॉलेज कलेक्ट किया था उसको अब अप्लाई करने का टाइम आ गया है यानी कि उसको अब यूज करने का टाइम आ गया है दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च तीसरा आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक मैथडोलॉजिकल अप्रोच है दैट इन्वेस्टिगेट्स रिसर्च क्वेश्चन दैट हैव नॉट प्रीवियसली बीन स्टडीड इन डेप्थ एक्सप्लोर करना यानी कि खोजपूर्ण ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कोई भी टॉपिक जिसके बारे में हमें बिल्कुल लिटल नॉलेज होगा या फिर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा ठीक है सिर्फ हमें प्रॉब्लम का पता है आज से पहले किसी ने उसके बारे में रिसर्च भी नहीं की है तो उस जगह पे हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज़ करते हैं चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं उसको खोज करते हैं उसकी ढूंढने की कोशिश करते हैं एंड कंक्लूसिव रिसर्च होता है ये होता है कंक्लूजन से रिलेटेड कोई ऐसा रिसर्च जो कि उसके कंक्लूजन पे फोकस करे दैट इज़ कॉल्ड कंक्लूसिव रिसर्च ठीक है सो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एंड हमारा आंसर है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ठीक है सो ये एक ऐसा टाइप है रिसर्च का जहाँ पे रिसर्चर अलाउ करता है टू गेन बेटर कॉन्सेप्ट हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था हमने एक बेटर कॉन्सेप्ट लिया अगर हम इस रिसर्च को यूज़ करते हैं ठीक है एंड ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है ताकि हमारी रिसर्च स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ती रहे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है द सैंपलिंग टेक्निक अंडर विच पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स एंड द रिसर्चर ड्रॉज सैम्पल इज कॉल्ड सो सैम्पलिंग से क्वेश्चन आ गया है अगेन ठीक है सो वो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें पॉपुलेशन को ठीक है यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कैंडिडेट्स है जो भी हैं टोटल जो ग्रुप है ठीक है उसको डिवाइड किया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप ग्रुप्स में ठीक है एंड देन उसके बाद रिसर्चर सैंपल्स को ड्रॉ करता है पहला ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर स्नोबॉल एंड कोटा सैंपलिंग ठीक है so, सो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में क्या होता है इसमें हम डिवाइड करते पॉपुलेशन को इनटू सब पॉपुलेशन जैसे कि हजार लोग हैं टोटल पॉपुलेशन ठीक है इसको हम डिवाइड कर देते हैं इनटू सब पॉपुलेशन मान लीजिए 500 500 के दो सेट्स में हमने डिवाइड कर दिया ठीक है डिफर इन इंपॉर्टेंट वेज अब इनको हमने कैसे डिफरेंशिएट किया है मान लीजिए गर्ल्स एक तरफ कर दिया है बॉयज एक तरफ कर दिया है ठीक है या फिर इनके एज के अकॉर्डिंग हमने इनको डिफरेंशियट कर दिया है एंड इट अलाउ यू ड्रॉ मोर प्रिस कंक्लूजन बाई इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैंपल तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग क्या करते हैं स्ट्राटाज को डेवलप करते हैं हमने गर्ल्स एंड बॉयज में डिवाइड कर दिया अब हमें पता है कि अगले सैंपल में अगर हमें बॉयज़ चाहिए तो हम इस ग्रुप को नहीं देखेंगे हम सिर्फ इसी ग्रुप से लड़कों को उठाएंगे राइट right? नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैंपलिंग सो क्लस्टर सैम्पलिंग ऑल्सो इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप्स इसमें भी हम डिवाइड करते हैं इसमें भी हम डिवाइड करते हैं एंड ये दोनों क्या है ये दोनों प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के टाइप्स हैं एंड ये दोनों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं ठीक है ठीके? क्लस्टर सैंपलिंग डिवाइड करता है इनटू सब ग्रुप्स बट ईच सब ग्रुप शुड हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द होल सैंपल इंस्टेड ऑफ सैंपलिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम सब ग्रुप यू रैंडमली सिलेक्ट एंटायर सब ग्रुप ठीक है इसमें एंटायर सब ग्रुप जो होता है उसको हम लोग रैंडमली सेलेक्ट करते हैं नेक्स्ट आता है स्नोबॉल बॉल सैंपलिंग सो इट इफ द पॉपुलेशन इज हार्ड टू एक्सेस ठीक है मान लीजिए कि हमारे पास वन थाउजेंड लोग हैं अब बहुत डिफिकल्ट है कि किस तरह से हम इनको सैंपल करें हमें समझ नहीं आ रहा कौन सा रूल अप्लाई करके सैंपल करें ना गर्ल बॉय कर सकते ठीक है ना एज के अकॉर्डिंग कर सकते तो इस जगह पे हम लोग स्नो बॉल सैंपलिंग का यूज करते हैं ठीक है इसमें क्या करते हैं इट इज यूज टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स via other अदर पार्टिसिपेंट्स एंड द नंबर ऑफ पीपल यू हैव एक्सेस टू as you get यू गेट इन more विद मोर पीपल ठीक है सो इस तरह से काम करता है स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड लास्ट आता है कोटा सैम्पलिंग अगेन ये नॉन प्रोबेबिलिटी का ही टाइप है दिस मीन्स दैट एलिमेंट्स फ्रॉम द पॉपुलेशन आर चूजन ऑन अ नॉन रैंडम बेसिस एंड ऑल द मेम्बर्स ऑफ द पॉपुलेशन डू नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ बींग सेलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ सैम्पल ग्रुप ठीक है सो यहाँ पे इन दोनों में हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं किसी बेसिस पे इन दोनों में नहीं करते हैं ठीक है सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें डिवाइड करना है डायरेक्टली पूछा है कि पॉपुलेशन को डिवाइड किया है तो वहां से आप लोगों के ये दो ऑप्शन जो हैं ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे ठीक है सो स्ट्रेटिफाइड में क्या बताया मैंने आप लोगों को स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम लोग स्ट्राटास के बेस पे इनको सेलेक्ट करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लॉजिक विच इंक्लूड्स ड्रॉइंग कलमिनेशन इंफरेंस फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ सर्टिन फैक्टिज ठीक है सो एक तर्क जिसमें कुछ तथ्यों की दी गई सूची से परिणति अनुमान निकालना शामिल है तो उसको क्या बोला जाता है उस लॉजिक को क्या बोला जाता है डिडक्टिव रीजनिंग इंडक्टिव रीजनिंग एबडक्टिव रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इन दो चीज़ों को तो आप लोग इग्नोर कर लीजिए एग्जाम में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव से ही क्वेश्चन आते हैं दैट इज निगमनात्मक एंड आगमनात्मक तर्क ठीक है सो सबसे पहले डिडक्टिव की बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर वन है इट वर्क्स फ्रॉम मोर जनरल टू मोर स्पेसिफिक ठीक है ये क्या करता है ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ को मूव करता है एंड इसको बोला जाता है टॉप डाउन अप्रोच यानी कि अपर लेयर से हम लोग नीचे के लेयर पे काम करते हैं एंड डिडक्टिव रीजनिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं सबसे पहले होता है थ्योरी बिल्डिंग उसके बाद आता है हाइपोथेसिस ठीक है उसके बाद आता है observation, and then उसके बाद आता है है ऑब्जर्वेशन एंड देन उसके बाद कंफर्मेशन तो ये है डिडक्टिव रीजनिंग ठीक है इंडक्टिव रीजनिंग बिल्कुल इसका ऑपोजिट है उसमें क्या होता है ये बेसिकली मूव करता है स्पेसिफिक टू जनरल स्पेसिफिक टू जनरल ठीक है इस पर थ्योरी लेक्चर मैंने कंप्लीट बनाया है एग्जाम्पल के साथ चीजों को समझाया है आप लोग उसको भी देख सकते हो ठीक है ये मूव करता है स्पेसिफिक टू जनरल एंड ये होता है बॉटम अप अप्रोच ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं आप लोग देख सकते हो स्पेसिफिक टू जनरल जनरल टू स्पेसिफिक टॉप डाउन ये बॉटम बॉटम अप ठीक है सो बॉटम अप में क्या होता है सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन नीचे से ऊपर की ओर ऑब्जर्वेशन आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा पैटर्न उसके बाद आ जाएगा हाइपोथेसिस एंड उसके ऊपर आ जाएगा थ्योरी यानी कि हम पहले चीज को ऑब्जर्व करेंगे फिर उसका पैटर्न जनरेट करेंगे फिर हाइपोथेसिस लेंगे फिर थ्योरी पे जाएंगे एंड डिडक्टिव में क्या होता है डिडक्ट करते हैं डिडक्ट का मतलब होता है माइनस करना तो यानी कि हम ऊपर से नीचे को जा रहे हैं टॉप लेवल से डाउन लेवल पे जा रहे हैं डिडक्ट हो रहे हैं ठीक है so, सो यहाँ पे हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर वन ठीक है इसमें पूछा गया है ड्रॉइंग इनफेरस फ्रॉम अ गिवन लिस्ट ऑफ सर्टेन फैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन था ये ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंट कंडीशंस दैट प्रिवेल इन अ रिसर्च स्टडी अंडर विच एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स आर पुट आर कॉल्ड एज सो एक शोध अध्ययन में जो विभिन्न परिस्थितियां प्रचलित होती हैं जिनके तहत प्रायोगिक और नियंत्रण समूहों को रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं ट्रीटमेंट इन्वेस्टिगेशन ब्लू प्रिंट या फिर एनालिसिस ठीक है तो यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन की बात की गई है जो कि रिसर्च स्टडी को प्रिवेल करती है ठीक है एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप्स को उसमें साथ में रखा जाता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड राइट आंसर है ट्रीटमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नीट्यूड ट्रेंड और बिहेवियर ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड ठीक है सो अध्ययनाधीन जनसंख्या के परि परिमाण प्रवृत्ति और व्यवहार के बारे में एक कथन कहलाता है तो इसको क्या बोलते हैं नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस या फिर रिलेशनल हाइपोथेसिस तो यहाँ पे राइट right आंसर है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस ठीक है सो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या करता है ये प्रेजेंट करता है द एग्जिस्टेंस साइज टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल राइट सो ये थे हमारे आज के फाइव क्वेश्चन अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताओगे विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रॉबेबिलिटी सैंपलिंग बेसिक क्वेश्चन है फटाफट से इसको पढ़ के आप लोग आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है सो so, आज के लिए सिर्फ इतना ही आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए हैं ये आप लोगों के अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट